अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दुबई व्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं एक दिरहम की आगरा राइड लेने और उसके लिए हम जाएंगे गोल्ड सूप मार्केट और वहाँ पे यहाँ का सबसे ओल्ड मीना बाजार भी है। तो आपको चल के दिखाती हूँ कि कौन से स्टॉप से हम राइड लेंगे, आगरा राइड कौन से स्टॉप से लेते हैं और कहाँ से आपने किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जाना है, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी इस वीडियो में दिखाऊंगी भी। बस एक दिरहम में आपको वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं। आगरा राइड बुक करने के लिए सिंपल आप अपने गूगल मैप्स पे आगरा स्टेशन का लोकेशन डालेंगे और वो आपको आगरा स्टेशन ले जाएगी जो कि बर दुबई में है। बर दुबई भी बेसिकली ओल्ड दुबई में है और यहाँ पे आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हमने क्योंकि गोल्ड सूप मार्केट जाना था और ओल्ड मीना बाज़ार, तो इसलिए बर दुबई में हम ज़्यादा स्टे नहीं करेंगे। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बस यहाँ से हम आगरा राइड लेंगे और आगरा एक वुडन शिप में आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचाती है सिर्फ 1 दिरहम में। गाड़ी पार्क कर दी है और ये पेड पार्किंग है और यहाँ पे कॉइन्स या कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पार्क करने के बाद अब हम जाएंगे। आगरा राइड का एक्सपीरियंस हमारा बहुत अच्छा रहा क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था और अभी हम बर दुबई से दीरा आ गए हैं। दीरा में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओल्ड मीना बाज़ार है, गोल्ड मार्केट है और भी काफ़ी कुछ है। इस ओल्ड मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा दुबई की ओल्ड ट्रेडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें इनके स्कार्फ्स, बैग्स, डेकोरेशन पीसेस, ज्वेलरी, चॉकलेट्स, मसाले, बहुत कुछ है जो कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी यहाँ से बाय कर सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में। मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में देखा था कि यहाँ पे कलरफुल सैंड के साथ इन बॉटल्स में डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस बनाते हैं, आप अपनी मर्ज़ी का इन बॉटल्स पे कुछ भी लिखवा सकते हैं और मुझे बहुत शौक़ था कि मैं भी इस तरह का कोई डेकोर अपने घर के लिए लेके जाऊँ। तो यहाँ पे अभी हम ये बनवा रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी का इसमें कुछ भी लिखवा सकते हैं और यहाँ पर हमने अपना नाम लिखवाया था और वो डेट लिखवाई थी जिस दिन हम यहाँ पर आए थे और इसमें अब हम फिल करवाएँगे कलरफुल सैंड और वो सैंड भी आप
अपनी मर्जी के कलर्स चूज करवा के इसमें फिलअप करवा सकते हैं। दुबई में आपको काफ़ी जगहों पे इस तरह की बॉटल्स नज़र आएंगी जो कि सैंड से बना रहे होंगे, लेकिन प्राइसेस हर जगह डिफरेंट होंगी। यहाँ पे हमें ये थोड़ी सी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई थी, लेकिन बाकी जगहों पे ये बहुत एक्सपेंसिव थी। मुझे इस मार्केट में बहुत सी ऐसी कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही थी जो कि मुझे सब बाय करने का दिल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस थोड़ी सी आपको बार्गेन करवानी पड़ती हैं क्योंकि ये ऐसी मार्केट है जहाँ पे टूरिस्ट को देख के प्राइसेस काफ़ी हाई बताते हैं। और फिर हमने यहाँ से बखूर और डिफरेंट किस्म के इतर वगैरह भी बाय किए और काफ़ी अच्छी प्राइसेस में बहुत अच्छे हमें परफ्यूम्स यहाँ पर मिल गए। इस मार्केट में आपको टर्किश लैम्प्स, डेकोरेशन पीसेस, ड्राई फ्रूट्स, ड्राइड हर्ब्स, हर तरह का मसाला आपको यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ बाय नहीं की। इस मार्केट में आपको दुबई की मोस्ट फेमस एंड मोस्ट विजिटेड गोल्ड मार्केट भी नज़र आएगी, जहाँ पर द वर्ल्ड बिगेस्ट गोल्ड रिंग है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आ चुकी है। इस गोल्ड मार्केट में आपको गोल्ड के ऐसे ऐसे डिज़ाइंस नज़र आएंगे जो इससे पहले आपने कभी भी नहीं देखे होंगे। मैं काफ़ी टाइम से एक इंडियन खूसा बाय करना चाह रही हूँ और यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस नज़र भी आ रहे थे, लेकिन 60 दिरहम ईच पेयर था जो कि एक खूसे के लिए आई थिंक सो काफ़ी एक्सपेंसिव है। इस पूरी मार्केट में देखने के लिए इतना कुछ था कि हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और स्टिल अभी भी आधी से ज़्यादा मार्केट हम लोग नहीं देख सके, लेकिन क्योंकि हमने वापस जाना था रात का टाइम हो गया था और हमें ये डाउट भी था कि आगरा राइड पता नहीं हमें उस टाइम तक मिलेगी या नहीं, तो इसलिए अब हम वापस जा रहे हैं। शॉपिंग हमने गोल्ड फ्रूट से जो करनी थी कर ली है। हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे और हमें क्योंकि अभी पर दुबई वापस जाना था और रात के टाइम पे मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है और जो ये क्रॉसिंग है पानी के ऊपर से, ये पानी भी काफ़ी गहरा है। अभी मैं आपको इसका नाइट व्यू भी दिखाती हूँ, बट रात के टाइम भी बहुत स्केरी थी। ये आगरा राइड दिन के टाइम जितनी अट्रैक्टिव है अपने सीन्स की वजह से, रात के टाइम ये थोड़ी सी स्केरी हो जाती है। और अगर आप मेरी तरह पानी से डरते हैं तो इस टाइम पे आपको थोड़ा सा डर ज़रूर लगेगा। सो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे बर दुबई, और बर दुबई में भी आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग पेड है, फ्री पार्किंग का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे बहुत इजीली आप कॉइन्स के थ्रू या किसी बस कार्ड के थ्रू या फिर कॉइन्स के थ्रू अब यहाँ पे हम अपनी पार्किंग पे करेंगे। अभी हम लोग दुबई की मोस्ट फेमस बिरयानी शॉप पे जा रहे हैं। हम लोग आज आए हैं पाक लियारी रेस्टोरेंट, और अगर आप दुबई में रहते हैं या आप दुबई आए हुए हैं तो आपने इस जगह की बिरयानी ज़रूर ट्राई की होगी।
बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे बिरयानी मिलती है, और हमें यहाँ की बिरयानी, यहाँ का कढ़ाई, यहाँ का खाना बहुत पसंद आया। पाक लहरी रेस्टोरेंट की बिरयानी और वहाँ की चिकन कढ़ाई हमने खा ली है। सूप मार्केट से आज मैं ये रॉयल मिंट टी लेके आई हूँ और इसकी मैं आपको टी बैग दिखाती हूँ। बहुत ही क्लासी, बहुत ही रॉयल किस्म का ये बना हुआ है। तो अभी इसकी ग्रीन टी मैं बना के पीती हूँ कि इसकी सिर्फ पैकेजिंग ही रॉयल है या इसका टेस्ट भी रॉयल है।